नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना सेविंग अकाउंट घर पे बैठ के कैसे खुलवा सकते हैं। आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, ब्रांच में किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की जरूरत नहीं, ब्रांच में आपको केवाईसी कराने की भी जरूरत नहीं। आपकी वीडियो केवाईसी के थ्रू आपका सेविंग अकाउंट खुलेगा, जिसका अब मैं आपको लाइव डेमो बताऊंगा। अकाउंट खोलने के पहले आप दो चीजों का ध्यान रखें। आपके पास दो डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए ओरिजिनल में, आधार कार्ड और पैन कार्ड। और एक दूसरी बात, आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आएगा, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आइए हम लाइव डेमो देखते हैं कि किस तरीके से हमें अकाउंट खोलना है, सेविंग अकाउंट। आपके सामने योनो ऐप ओपन है, आपको जाना है न्यू टू SBI, फिर ओपन सेविंग अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, फिर विदाउट ब्रांच विजिट आपको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको इंस्टा प्लस सेलेक्ट करना है, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये याद रखें, ये मोबाइल नंबर आपके किसी घर के किसी भी सदस्य के SBI अकाउंट में ना रहे। नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे तो एक OTP जनरेट होगा, जो कि आपके मोबाइल पर आएगा। वह OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करके सबमिट की बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको सिस्टम कहेगा कि आप अपना पासवर्ड जनरेट करें और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन एंटर करें, फिर आप नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यह प्रोसेस 15 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। फटका CRS का डिक्लेरेशन दे देंगे। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हुए नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, वह OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद सबमिट की बटन पे क्लिक करना है आपको। सबमिट की बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स पॉपुलेट होंगी। अगर आपको लगता है सब सही है तो नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करें, फिर आपका एड्रेस पॉपुलेट होगा यहाँ पर। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है या कुछ चीज़ें मिसिंग है तो वो आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद आप सबमिट की बटन पर क्लिक कर देंगे। पैन नंबर का ये ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल पैन नंबर आपके पास जरूर हो, क्योंकि वीडियो KYC में आपको वो दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दें आप। इसके बाद आपका फोटो आ जाएगा, जो कि आधार कार्ड में। आप फिर नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, फिर आपका मैरिटल स्टेटस। अब यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स एंटर करनी है, अपने पिताजी का नाम एंटर करना है, अपनी माताजी का नाम एंटर करना है, अपने स्पाउस का नाम एंटर करना है, और डिक्लेरेशन देते हुए नेक्स्ट की बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन क्या करते हैं और आपकी वार्षिक तनख्वाह, वार्षिक कितनी कमाई होती है वो डालना है। आपको आपका धर्म सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप अपने खाते में जिसको भी नॉमिनी कराना चाहते हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करके नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पर आपको आपकी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जिस ब्रांच में आप अपना खाता चाहते हैं। मैं यहाँ पर शिवगंज ब्रांच सेलेक्ट कर लूँगा। शिवगंज ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद, उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। नेक्स्ट की बटन पे मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद सिस्टम मुझे टर्म्स एंड कंडीशन देगा, जो कि सारी टर्म्स कंडीशन मैं एक्सेप्ट करके अपनी कंसर्न देके मैं आगे बढ़ूँगा। फिर मैं नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाद सिस्टम मुझे एक OTP आएगा, मेरा जो मैंने शुरू में जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर, वो OTP सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड पर जो मेरा नाम चाहता हूँ वो मैं यहाँ एंटर कर सकता हूँ। अब मेरा एक टोकन नंबर जनरेट होगा, जो टोकन नंबर करके मुझे नेक्स्ट कर देना है। फिर मुझे वीडियो कॉल के लिए स्टार्ट और शेड्यूल वीडियो कॉल पर क्लिक कर देना है। मेरे सामने अगली स्क्रीन खुलेगी, जो कि मुझे किसी और वेबसाइट पर ले जाएगी, जिससे जहाँ पर मेरा वीडियो कॉल चलेगा। स्टार्ट वीडियो कॉल इन 5 मिनट में कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मुझे 6 लोग मुझसे आ गए हैं,
जब वीडियो कॉल कंप्लीट हो जाएगा तो एक थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, उसमें लिखा रहेगा कि मेरा अकाउंट नंबर मुझे जल्दी ही SMS के द्वारा रिसीव होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।